टाइप्स ऑफ वेक्टर। कितने तरह के वेक्टर होते हैं? सबसे पहले इक्वल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर आपके ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी लेंथ वाइज सेम स्केल पर, सेम स्केल पर लेंथ भी सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो इन दोनों को आप क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, चाहे वो कोई भी मैग्नीट्यूड हो चाहे कोई भी डायरेक्शन हो। इसे आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये भी ड्रॉ, अभी आपने ड्रॉ नहीं करा, ये कर लिए। इसे रिप्रेजेंट करेंगे आप कैसे? इसे आपने लिखना है ए वेक्टर इक्वल्स बी वेक्टर। लिख लीजिए इसमें टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद बोलेंगे हम, कहेंगे क्या पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स दो या दो से ज्यादा वो वेक्टर्स हो सकते हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो या अनइक्वल हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। तो यहां आप लिखेंगे ये ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, इसे लिखा जाएगा ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इक्वल वेक्टर है वो भी आपस में एक दूसरे के कैसे हैं? पैरेलल वेक्टर। इक्वल वेक्टर भी पैरेलल वेक्टर्स ही है। लिखिए पैरेलल वेक्टर्स, टू और मोर इक्वल और अनइक्वल वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे एंटी पैरेलल, क्या हो जाएगा ये बताओ? अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इक्वल हो या इक्वल ना भी हो। देखो अपोजिट वेक्टर जब आप लिखते हैं तब नेसेसरीली उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट हो मैग्नीट्यूड सेम हो तो अपोजिट डायरेक्शन कहेंगे। लेकिन एंटी पैरेलल में डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो या डिफरेंट हो। लिखिए एंटी पैरेलल, तो क्या बनेंगे एंटी पैरेलल में? एंटी पैरेलल लिखेंगे एक वेक्टर ये आपका ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर बिल्कुल इसके पैरेलल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता नहीं भी हो सकता। इसे हम क्या लिखेंगे? ए वेक्टर एंटी पैरेलल बी वेक्टर। टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर्स। नाम से इनके पता लग रहा है कि अगर दो वेक्टर चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो लेकिन अगर वो सेम सेम इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो इन सभी को क्या कहा जाएगा? को इनिशियल कहा जाएगा, जिनका इनिशियल सेम है, स्टार्ट पॉइंट सेम। तेईस, टू और मोर वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। अब नेक्स्ट है उसे बहुत ध्यान से आपको समझना है। इसे रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका ही नहीं है, कोई तरीका नहीं है। मतलब जैसे शॉर्ट फॉर्म में हमने ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर लिखा था, इसे कुछ नहीं लिखते।
अगले हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, अब समझो इसे पहले, कोप्लेनर, इसमें वर्ड आ रहा प्लेन। क्या वर्ड प्लेन का मीनिंग आप समझते हो क्या है? कौन समझता है, रेज योर हैंड, कौन समझता है कि वर्ड प्लेन का मीनिंग क्या है? प्लेन का मीनिंग क्या है? चलिए समझ लेते हैं इसे, समझ लेते हैं। ये मेरे सामने हाथ में दो सेट स्क्वायर्स हैं, ठीक है, एक सेट स्क्वायर मैंने ऐसे पकड़ा और दूसरा सेट स्क्वायर मैंने ऐसे पकड़ लिया। अब ये दोनों सेट स्क्वायर डिफरेंट प्लेन्स में है, एक का प्लेन ये है, ये मेरा हाथ कहलाएगा प्लेन। किसके लिए प्लेन है? फॉर फर्स्ट सेट स्क्वायर। लेकिन दूसरे सेट स्क्वायर का प्लेन यहां है। ये दोनों अब डिफरेंट प्लेन में है। अगर मैं इनको ऐसे लगा देता हूं, अब ये दोनों के दोनों कैसे? सेम प्लेन में। अगर मैं इनको यहां लगा देता हूं, अब भी दोनों। अगर मैं इसको ऐसे लगा देता हूं तो भी दोनों सेम प्लेन। का मतलब है कि आपने ये हाथ लगाया और दोनों के दोनों आपके हाथ पर आ गए, ठीक है। आपने मतलब आप कॉपी पे जो लिखते हो, जितने भी वर्ड्स, जितने भी लाइंस, जितने भी सब कुछ आप कर रहे हैं कॉपी पे, वो एक ही प्लेन में है। और कौन से प्लेन में है वो बताइए, हाँ, किस प्लेन में है वो? जो आप कॉपी पे लिख रहे हो वो एक ही प्लेन में है। कौन सा प्लेन है वो? द प्लेन ऑफ पेपर। आपने यहां कॉपी पर लिखा है, अगर ये कॉपी पर लिखा है, तो ये जो कुछ भी आपने यहां लिखा हुआ है ये इसी प्लेन पर है। लेकिन मैं अगर इसको ऐसे पकड़ लूं, यहां इधर लिखा हुआ और इधर लिखा हुआ, अब ये दोनों डिफरेंट प्लेन में चले गए। एक प्लेन तो ये है और दूसरा प्लेन अलग निकल गया इसका। सेम प्लेन में होने का मतलब एक ही पेपर पर आ जाना, टू डायमेंशनल। और सेम प्लेन में ना होने का मतलब है कि एक पेपर पे नहीं आना उनको और किसी एक को बाहर निकल जाना है, ठीक है। अब इस बात को और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप अक्सर एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिजिक्स में भी मैथ में भी आपको एक्सिस ड्रॉ करनी है। ये आपने एक्सिस ड्रॉ करी, एक्स वाई जेड एक्सिस। ये रेड वाला प्लेन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ये ब्लैक वाला पेन वाई एक्सिस है और ये ग्रीन वाला पेन जेड एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्स एक्सिस। अब मैंने ये हाथ ऐसे लगा दिया, मैंने ये हाथ अपने यहां रखा हुआ, ध्यान से देखिएगा आप, मेरा हाथ किस प्लेन में है? हाँ, मेरा हाथ किस प्लेन में है? ये एक्स एक्सिस भी मेरे हाथ पर आ रही है और वाई एक्सिस भी मेरे हाथ पर आ रही है। तो अब मैं कहूंगा कि मेरा हाथ एक्स वाई प्लेन में है। किस प्लेन में? अब मेरा हाथ किस प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में है, ओके? और मैं यहां रख लू अपना हाथ तो वाई जेड प्लेन में आ गया, ठीक है। मतलब अगर आप कोई भी दो एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं तो वो सेम प्लेन में हो सकती हैं, लेकिन उसी कार्टेशियन में अगर आपने तीसरी एक्सिस भी कंसीडर कर ली तो ये तीसरी एक्सिस तो निश्चित रूप से बाहर निकल जाएगी। समझिए ध्यान से, ये मेरा हाथ कहाँ है इस टाइम? एक्स वाई प्लेन में। लेकिन क्या जेड एक्सिस मेरे हाथ पर आ रही है? नहीं आ रही, ये प्लेन के बाहर निकल गई। और बाहर भी कैसे निकली है कि जेड एक्सिस, आपकी जो जेड एक्सिस है, इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। अब मैं यहां रख रहा हूं तो मेरा हाथ किस प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में है, लेकिन एक्स एक्सिस बाहर निकल गई। तो एक्स एक्सिस क्या कहोगे आप? एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू
वाई जेड प्लेन, इसी तरह आपकी वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स जेड प्लेन, वाई एक्सिस एक्सजेड प्लेन के परपेंडिकुलर है। बात समझ आई? तो अब कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होंगे, कोप्लेनर वेक्टर कौन से होंगे? सिंपल सी बात है, वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में है, वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में है वो कोप्लेनर है, और वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में नहीं है, बाहर निकल गए, वो कोप्लेनर नहीं है। ठीक है, देखिए मैं दो वेक्टर्स बना रहा हूं, ये दो वेक्टर है मेरे, ए वेक्टर बी वेक्टर, चाहे ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे ऐसे कैसे भी है, ये सेम प्लेन में दोनों, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई प्लेन आप ड्रॉ कर सकते हो इन्हें मिला, जिस पर दोनों आ जाए। आपने ये प्लेन ड्रॉ किया, हाथ दोनों के दोनों हाथ पर आ गए। अब मैंने एक तीसरा वेक्टर यहां और बना लिया, तो आपका जो रेड वाला वेक्टर है, ये ग्रीन और ब्लैक वाले वेक्टर्स के प्लेन से निकल गया। रेड वाला वेक्टर कहां से निकल गया? आपके ग्रीन और ब्लैक वाले वेक्टर, ग्रीन वेक्टर ब्लैक वेक्टर जिस प्लेन में है उस प्लेन से बाहर निकल गया है। अगर आप यहां हाथ लगा लेते हैं ऐसे, तो ब्लैक वाला उस प्लेन के बाहर निकल गया जिस प्लेन में ग्रीन और रेड वेक्टर है। तो अब आपका ग्रीन और रेड कोप्लेनर है, लेकिन इसके साथ में आपका ब्लैक वाला वेक्टर कोप्लेनर नहीं है। आपने यहां लगा दिया, तो अब आपके ब्लैक और रेड कोप्लेनर है, लेकिन ये ग्रीन वाला इस प्लेन के बाहर निकल गया, तो अब ये ग्रीन वाला इस कोप्लेनर में नहीं है, कोप्लेनर नहीं है। ठीक है, अक्सर हमें वेक्टर बनाने पड़ेंगे एक्स वाई जेड एक्सिस के अलावा, अक्सर बनाने पड़ेंगे। तो अगर कोई दो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, तीसरा वेक्टर जो जेड एक्सिस के अलावा है वो कोप्लेनर नहीं है। एक्स वाई जेड एक्सिस पर अगर आप तीन वेक्टर बना देते हैं ठीक एक्स वाई जेड एक्सिस के अलावा, तो इनमें से एक टाइम पर दो ही कोप्लेनर हो सकते हैं, तीसरा तो आउट ऑफ प्लेन निकल ही जाना है। अगर आप एक्स एक्सिस पर बना वेक्टर, वाई एक्सिस पर बना हुआ वेक्टर एक प्लेन में ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, तो इसका मतलब जेड एक्सिस के अलोंग जो भी वेक्टर है वो कोप्लेनर अब नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि हम जो भी डायग्राम बनाएंगे अपनी कॉपी के पेपर पर, वो सब कोप्लेनर ही बनेंगे, क्योंकि तीसरे वेक्टर को इस कॉपी के बाहर निकालकर हम दिखाई नहीं सकते। लेकिन हमें कई बार एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस बनाने पड़ेंगे। तो एक्चुअली तो उनको ऐसे बनाया जाना चाहिए कि ये दो अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर है ये दो वेक्टर, तो तीसरा वेक्टर मैं कहां बनाऊं? तीसरा वेक्टर तो फिर यहां बनाऊं मैं। अगर दो वेक्टर मेरे ये दो वेक्टर एक्स वाई एक्सिस पर है, तो तीसरा वेक्टर जेड एक्सिस पर तो ये बनाना चाहिए मुझे, लेकिन इसे मैं कहां ड्रॉ करूंगा? ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन तो मैंने बना लिया अपने पेपर पर, तीसरा प्लेन, तीसरा वाला कहां बनाऊं? ये तो खड़े आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, यहां तो कुछ है ही नहीं, हवा में तो ड्रॉ कर नहीं सकते मैं इसको, राइट? लेकिन अगर इसे भी ड्रॉ करना पड़े, इसे भी ड्रॉ करना पड़े, तो जुगाड़बाजी, तो सिंपली क्या? जुगाड़बाजी। ये यहां बनाई आपने एक्स एक्सिस और वाई, एक आपका एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया, दूसरा आपका वाई एक्सिस के अलोंग हो गया, ये बी वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तीसरी एक्सिस कैसे बनाते हैं? तीसरी एक्सिस जबरदस्ती यहां बना देते हैं, और ये वाला क्या बन जाएगा आपका? सी वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। दिखाने के लिए क्या करने पड़ता है? ए दिखाने के लिए आप देखो, ए ये सिंबल बनाते हैं, ये सिंबल जो छोटा सा रेक्टेंगल बनाते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि इन दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री है। चलो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में तो दिख ही रहा 90 डिग्री, लेकिन वाई और जेड एक्सिस के बीच भी तो 90 है, तो यहां भी छोटा सा बना दो ये।
जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच भी तो 90 है, यहां भी आपने क्या बना देना है, ये सिंबल बना देना है। तब आपका क्लियर हो जाएगा कि ठीक है हम बना नहीं सकते क्योंकि जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर प्लेन में, लेकिन हमने यहां रिप्रेजेंट कर दिया तो पता लग गया कि ये तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे के कैसे है, परपेंडिकुलर है। सी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। समझिए बात, कई बार आपको ये चीजें बनानी पड़ेंगी कि कई वेक्टर आपके सामने, उसमें से कुछ को प्लेनर है और कुछ आउट ऑफ प्लेन है, मोस्ट ऑफ द केस एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग आएंगे आपके सामने, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। क्लियर रही बात? तो क्या तरीका एक तीनों को एक साथ बनाने का एक ही पेपर पर, कि तीनों के बीच में परपेंडिकुलर शो कर दो आप, तो पता लग जाएगा कि तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक एक्स एक्सिस पर है, दूसरा वाई एक्सिस पर है, तो तीसरा निश्चित रूप से इस प्लेन में नहीं है, इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस पर है। ठीक है, लिखिए कोप्लेनर वेक्टर्स, ऑल द वेक्टर्स ड्रॉन ऑन द सेम प्लेन। ये डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दोनों किसमें है, इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में है, भले ही परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है तो एक्स वाई प्लेन में। फिर आपका सी वेक्टर ए वेक्टर, सी वेक्टर एंड ए वेक्टर कहां है, इन जेड और एक्स, इन एक्जेक्ट प्लेन। और तीसरा पेयर कौन सा बचा आपका, सी वेक्टर एंड बी वेक्टर किस प्लेन में होंगे, जेड एक्सिस पर, और ये तो किस में कहा जाएगा, इसको वाई जेड प्लेन में कहा जाएगा। ठीक है, बना लिए। नल वेक्टर नेक्स्ट लिखते हैं, नल एन यू डबल एल, नल, नल वेक्टर, नल वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, और जब जीरो है इसका मैग्नीट्यूड तो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, कुछ भी ले लो फिर तो डायरेक्शन क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, नहीं 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 इसके लिए नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, वो समझ में आ जाएगी बात आपसे। तो नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन आपकी मर्जी, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, जो चाहो ले दो उसकी। आप देखिए, आप वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड एट आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप इसको, जीरो के ऊपर बना करके रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,